एक बार थोड़ा सा तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, किश्ती बदलने से कुछ नहीं बदलता, दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। जहां पर आए हुए हमारे महबूब रहनुमा जो आज के इस फंक्शन की क़यादत कर रहे हैं, जो आज के इस फंक्शन की चीफ गेस्ट हैं, मुझे थोड़ा सा मैं हिंदी में कहूँ, श्री टी आर भक्त जी, चीफ इंजीनियर जम्मू कश्मीर स्टेट, एससी मोर्चा के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं मौजूदा इस वक्त, और बहुत सारे सोशल कामों में भी इनका बहुत भारी योगदान जम्मू कश्मीर स्टेट में रहा है, और उनके साथ हमारे महबूब रहनुमा, हमारी राजनेत्री श्रीमती सीमा कुमारी जी, जो हमारे पंजाब के लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर रह चुकी हैं और एमओएस एजुकेशन भी रह चुकी हैं, मेरा उनके लिए भी बहुत बहुत मेरी तरफ से उनको धन्यवाद है। उनके साथ मुख्तियार जी हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके साथ है भारती जी, और हमारे साथ ही हम हरिपाल जी जो युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं। तो सबसे बड़ी बात में जिनका जो इंस्टीट्यूशन है जिसको बीसीसी इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है, और कई सालों से ये इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे, इन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है, और ख़ास करके आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं कहूँगा तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि नशे की तरफ आकर्षण देना, चाहे वो कंप्यूटर में हो, टेलरिंग में हो, या कोई और दूसरी, आपसे आपसे आपके 20 साल वो आपसे चाहते हैं कि ये हमारे लिए कर दो, और 20 साल के बाद जो भी इंजॉय करना हो वो फिर आप कर सकते हैं किसी लिए, क्योंकि उस वक्त आपकी जो लाइफ है वो टीन एज नहीं रहती है, 20-22 साल के बाद आप
एक बहुत समझदार बच्चे बन जाते। हंसते गाते रहोगे, नाचते रहोगे, जैसे लड़कियां भी नाच रही थी ना यहाँ पे, सारी उम्र इसी तरह से नाचते रहोगे। लेकिन अगर आपने किसी की दिल, किसी की बात अपने दिल में ले ली, तो सारी उम्र जलते रहोगे, उसका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि उसके डॉक्टर आप ही हो, उसके इलाज आपने खुद करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए इस बात को। ये कोई कोई इस बात को समझ रहा है, जो समझ आया ना उसका जीवन बड़ा सरल हो जाता है। अब जैसे आपने कहा कि रामायण में बहुत कुछ सिखाती है, उसमें बाप बेटे का प्यार, एक बार राजा दशरथ ने कहा था प्रभु राम को कि आप 14 साल के लिए वनवास चले गए, ये शिक्षा देती हमें ये चीज रामायण क्या है। तो दिवाली हम जिनके लिए बना रहे हैं, तो वो हमें शिक्षा देते हैं सारे। एक बार उन्होंने बाप ने कहा कि आप जाओ जी 14 साल का वनवास है, तो उस दिन राजतिलक होना था, सारी गद्दी छोड़ के, अपनी सारा राजपाट छोड़ के तो वनवास चले गए। ये सिखाता गया हमें एक बाप बेटे का प्यार, और एक बेटा जिसने एक हुक्म दिया, बेटा सब कुछ छोड़ के 14 साल के लिए वनवास चला गया। तो हमें भी इसी तरह अपने माँ बाप के हुक्म मानने चाहिए, और उनके माँ बाप के कहे में रहोगे तो आप भी खुश रहोगे, आपका जीवन भी खुश रहेगा। जैसे सीता माता भगवान राम के साथ चली जाती, उनको वनवास नहीं दिया था, वनवास राम को दिया था, लेकिन सीता माता उनके साथ तैयार होगी कि प्रभु जहाँ आप जा रहे हो वहाँ मैं जाऊँ, क्योंकि आपकी मैं फैमिली हूँ। ये चीज़ें सिखाती हैं पति पत्नी का प्यार क्या है। इसी तरह से भाइयों भाइयों का प्यार, भाइयों का प्यार, लक्ष्मण भरत जब वो गए तो सारा अपना राजपाट भरत को देके गए, लेकिन भरत 14 साल गद्दी पे नहीं बैठे, 14 साल वो नीचे सोए और पीछे से राजपाट उन्होंने चलाया। जब वापस उनके भाई साहब वापस आए, जब प्रभु राम वापस आए, उनका ये ही आपकी कहनी, वो जमीन पे सोते रहे 14 साल। ये एक हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह से हमें अपने आप को, जो रिश्ते हैं हमारे, रिश्तों को कैसे निभाना है। जिस इंसान को रिश्ते निभाना आ गए, उसको सारा कुछ निभाना आ गया, उसको जीवन जीना आ गया। जिसने भी रिश्ता अच्छा निभाया अपना, वो पॉलिटिक्स भी अच्छी चलाएगा, वो अपनी बिजनेस भी अच्छा चलाएगा, वो अपना घर बार भी अच्छा चलाएगा। पर ये चीज सीखने की जरूरत होती है। दिवाली आई है अभी, कल दिवाली है, परसों उसके बाद भाई दूज का त्यौहार है। भाई दूज का त्यौहार भी हमें बहन भाई के प्यार को जागृत करता है। कहते हैं इसमें जो भगवान कृष्ण थे, वो जब नरकासुर राक्षस का वध करके वापस आए थे, तो सुभद्रा उनकी बहन थी, वो सुभद्रा के पास गए, सुभद्रा ने उनको वेलकम किया, उनका स्वागत किया कि मेरा भाई एक राक्षस का वध किया है। उन्होंने उनको माथे पे टीका लगाया, उनको तिलक लगाया, उनका स्वागत किया। तो मतलब ये हमारे हिंदू के जो त्यौहार हैं, ये दर्शाते हैं कुछ ना कुछ प्रेम का योगदान है। वो अपना काम कर रहा है, अपनी सफाई कर रहा है, नाली की सफाई कर रहा है, उससे योगदान अपने देश को। एक फौजी खड़ा है उधर अपना सीमा पे खड़ा है, बंदूक लेकर तान के खड़ा है, उसका अपना है, अपनी जगह पे। हम यहाँ बैठे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं, एक बहन भाई के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ये देश का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए हम सबको नटशेल में यही कहूँगा कि अपने में पॉजिटिविटी बनाए रखो। नेगेटिविटी बिल्कुल जब पास आए तो कहते हैं, ऐसे कोई बुरा मैसेज हम देखते हैं ना इसमें मोबाइल में, एकदम डिलीट मारते हैं उसको। नेगेटिव विचार जब भी कभी आपके दिमाग में, उसको भी ये डिलीट मार देना चाहिए। आपका जीवन बड़ा परफेक्ट हो जाएगा, शांतिपूर्वक आपका जीवन। तो बच्चों मेरी बात समझ रहे हो भी आप? नहीं समझ रहे बच्चे, मेरे बड़ा टेंशन डाइवर्ट हो रही, लंबा जब हो जाता फिर ऐसे हो जाता है। तो अब मैं फिर से तुम बड़ी दिला दी कहते चावा नाल, मैं तुम्हें फिर दोबारा तुम दिल की गहराइया नाल बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना तुम इस दिवाली की। तुम घर खुशियां नाल अपनी दिवाली मनाओ। VCC के इंस्टीट्यूशन जोड़े ने, इन्होंने चेयरमैन साहब, इनके दोस्त जोड़े ने, इन्होंने बड़ी बड़ी मुबारक। दिवाली दिन छुट्टी रखनी तुम्हें, तो मैं वैसे भी रिकमेंड कर देता छुट्टी रख देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा।